Hello everyone, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, हम लोग इस लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के 10 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. This is question number 11. Fermi energy level for P-type extrinsic semiconductor lies option A at the middle of the band, option B close to the conduction band, option C close to the valence band, and option D none of the above. P-type extrinsic semiconductors mein Fermi level kahan par located hota hai? Iske liye aap yahan energy band diagram ko dekhiye. This is valence band जो कि completely filled होता है and this is conduction band और y-axis के along हम energy को electron volt में show करते हैं and this gap between the valence band and conduction band इसे कहते हैं forbidden energy gap and in case of pure semiconductors ये energy band gap 1.1 electron volt होता है silicon के लिए और 0.72 electron volt होता है germanium के लिए. और जब हम बात करेंगे P-टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से एक्सेप्टर आयंस बनते हैं जिसको हम इस तरह से शो करते हैं अ नेगेटिव इन अ सर्कल और यहाँ पर एक होल को हम साथ में शो करते हैं कि इस एक्सेप्टर आयन की वजह से एक होल क्रिएट होता है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है और अगर हम P-टाइप की बात करें तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट करता है लाइक दिस. इन एक्सेप्टर आयंस की वजह से वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं फर्मी लेवल. और इस एनर्जी लेवल के वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट करने का रीजन ये है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इजीली यहां से जंप करके इन एक्सेप्टर आयंस की वजह से जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं वहां पर जंप कर जाएंगे और उन होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे. इस वजह से वैलेंस बैंड में यहाँ होल्स क्रिएट हो जाएंगे. तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इज लोकेटेड अबव द वैलेंस बैंड और वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन सी में गिवन है क्लोज टू वैलेंस बैंड. दिस इज द करेक्ट आंसर. पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में फर्मी एनर्जी लेवल इज लोकेटेड क्लोज टू द वैलेंस बैंड. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12. The diffusion potential across the PN junction, option A, decreases with increase in doping concentration, option B, increases with decreasing band gap, option C, does not depend on doping concentration, and option D, increases with increase in doping concentration. देखिए, PN junction के across diffusion potential किस चीज पे depend करता है? यहाँ पर ये एक PN junction diode है. ये पी रीजन है और ये एन रीजन है. पी रीजन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करवाते हैं तो हमें मिलते हैं एक्सेप्टर आयंस जो अपने साथ होल्स को कैरी करते हैं वैकेंसी लेके आते हैं. इसलिए पी रीजन में होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं. और एन रीजन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करवाते हैं इसलिए यहाँ डोनर आयंस प्रेजेंट होते हैं जो अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं. तो सपोज यहाँ पर पी रीजन में चार एक्सेप्टर आयंस हैं जो अपने साथ चार होल्स को लेके आ रहे हैं और एन रीजन में चार डोनर आयंस हैं जो अपने साथ चार इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहे हैं और प्लस थर्मल एजिटेशन के वजह से ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को यहाँ पर शो किया है इसलिए यहाँ पर पांच होल्स और पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पर हम सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स को कंसिडर कर रहे हैं. अब देखो जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास होंगे वो तो इजीली एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल क्रिएट डिफ्यूजन करंट. लेकिन जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से थोड़ा दूर लाए कर रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर सके, राइट? अब यहाँ पर देखो पहले वाले डायग्राम में हमने चार इम्प्योरिटीज को ऐड करवाया था. अब हमने इम्प्योरिटीज बढ़ा दिए हैं, एक्सेप्टर आयंस डबल कर दिए और डोनर आयंस को भी हमने डबल कर दिया. तो हमें
पी रीजन में हमारे पास 9 होल्स हैं और एन रीजन में भी 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. तो ये कॉन्सेंट्रेशन जब हमने बढ़ाया तो क्योंकि यहाँ पर सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं होल्स और एन रीजन में सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेम पोलैरिटी होने की वजह से पी रीजन के होल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स में भी ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है. तो ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होने की वजह से इनके पास ज्यादा एनर्जी होगी और इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिफ्यूज हो पाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे. तो इसका मतलब कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से, यानी कि ज्यादा इम्प्योरिटीज को ऐड करने से, जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज हो गया है. तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे. और किस तरह से डिपेंड कर रहा है कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने से डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बढ़ गया है. तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी में द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन. तो देयरफॉर ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13. सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड्स. सेमीकंडक्टर्स में कौन सा बॉन्ड बनता है? यू नो दिस, सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14. अ होल इज अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन. ऑप्शन ए अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑप्शन बी एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स इट्स कोवेलेंट बॉन्ड. ऑप्शन सी एन एटम कोर मूव्स. एंड ऑप्शन डी एन इलेक्ट्रॉन रिवर्ट्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड. तो यहां पर देखो आप कि होल किस तरह से क्रिएट हो रहा है. यहां पर ये सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं. ये यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. नाउ रूम टेम्परेचर पे सपोज इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी मिल गई तो ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, बॉन्ड से बाहर निकल जाता है एंड इट बिकम्स फ्री. और इसके निकल जाने से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे कहते हैं होल. तो ये वैकेंसी क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिया है और ये यहाँ से रिलीज हो गया है. तो ऑप्शन बी में देखिए कि होल इज अ वैकेंसी विच इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स इट्स कोवेलेंट बॉन्ड. जब एक इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के वहां से रिलीज हो जाता है और खुद को फ्री कर लेता है तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है विच इज कॉल्ड एज होल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15. फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लीस्ट इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पूछा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप इनमें से किसके लिए सबसे कम होता है? तो यहाँ पर आप देखिए कि मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, इसीलिए मेटल्स में कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है. और सेकेंड है इंसुलेटर. इंसुलेटर के केस में ये एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसे जंप करके कंडक्शन बैंड में आ ही नहीं पाते हैं इवन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप बहुत ही स्ट्रांग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो तो भी इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड तक जंप नहीं कर पाते हैं क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर्स के केस में बहुत ज्यादा होता है. और थर्ड है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स और मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाया करता है. सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए बैंड एनर्जी गैप इज इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ कम टू द ऑप्शंस. ऑप्शन ए में गिवन है माइका. माइका एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर्स का एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, ये अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जा सकता है. प्योर सिलिकॉन
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देखा, प्योर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका, और इम्प्योर सिलिकॉन की बात करें तो हमने अभी पिछले ही एक क्वेश्चन में देखा था कि जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है जिसे फर्मी लेवल कहते हैं, और वो पी टाइप के लिए वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट करता है और एन टाइप के लिए कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एग्जिस्ट करता है। तो इम्प्योरिटी ऐड कर देने की वजह से जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फर्मी लेवल वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो ऑप्शन डी तो इसका सही आंसर है ही नहीं। तो इन तीनों में से आप देखिए, इन तीनों में से सबसे लीस्ट एनर्जी गैप जो है दैट इज फॉर प्योर जर्मेनियम। प्योर जर्मेनियम के लिए बैंड एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। डोनर इम्प्योरिटी एटम इन अ सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन अ न्यू, ऑप्शन ए वाइड एनर्जी बैंड, ऑप्शन बी नैरो एनर्जी बैंड, ऑप्शन सी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, एंड ऑप्शन डी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड। इस क्वेश्चन में अब डोनर इम्प्योरिटी एटम की बात की है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर इम्प्योरिटी होता है, जैसे कि आर्सेनिक, बिस्मथ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड एनर्जी गैप डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ये एक फर्मी लेवल क्रिएट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल यहाँ पर क्रिएट होगा। ये एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ही क्यों होता है, क्योंकि इन आयंस के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर सके, इस वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे एग्जिस्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, ओके। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है ये क्रिएट हुआ है थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पे। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोनर इम्प्योरिटी एटम इन सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन अ न्यू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करने की वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। चेंज इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए मोबिलिटी, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, चेंज इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सेमीकंडक्टर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। सेमीकंडक्टर में दो तरह का करंट प्रोड्यूस होता है, वन इज ड्रिफ्ट करंट एंड अदर इज डिफ्यूजन करंट। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट, एंड करंट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि सेमीकंडक्टर में मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट। तो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर इट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इन प्योर सिलिकॉन मेजर पार्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज, ऑप्शन ए देर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, ऑप्शन सी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स, एंड ऑप्शन डी डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। प्योर सिलिकॉन में ड्रिफ्ट करंट ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से बहुत ज्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होने की वजह से प्योर सिलिकॉन में जो ज्यादातर ड्रिफ्ट करंट है
वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स, इसलिए मेजर पार्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स इन सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहने का मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि गैलियम इंडियम. ट्राइवेलेंट या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को ऐड करने से बैंड एनर्जी गैप में हमें एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलता है विच इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड. ये हम पीछे एक क्वेश्चन में डिटेल में कर चुके हैं. डोनर इम्प्योरिटी के केस में या कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्स्ट्रा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलता है वो कंडक्शन लेवल के जस्ट नीचे होता है, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो न्यू डिस्क्रीट लेवल मिलता है इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड. ऑलराइट फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे. आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे टॉपिक्स में से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.